केरला दक्षिण पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित एक भारतीय राज्य है। राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध विरासत और अद्वितीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। हरे भरे जंगलों से लेकर आश्चर्यजनक पहाड़ियों तक, खूबसूरत लैगून से लेकर अनूठी संस्कृति तक, प्राचीन समुद्र तटों से लेकर खूबसूरत बैकवाटर तक, केरल राज्य में ये सब है। दूसरे शब्दों में केरल हर तरह के यात्रियों के लिए है। उपयुक्त रूप से भगवान का अपना देश कहा जाता है। राज्य एक प्रकृति प्रेमी का स्वर्ग है। यहाँ केरल के लिए 5 रातों 6 दिनों के दौरे की योजना है। ये योजना आपको केरल के सबसे खूबसूरत झीलों में ले जाती है। आप कोचीन, मुन्नार, थेकड़ी और एलेप्पी की यात्रा करेंगे। केरल की 5 रातों 6 दिनों की ये यात्रा योजना आपको भगवान के अपने देश की समृद्ध कला और संस्कृति से परिचित कराती है। आप मुन्नार और थेकड़ी जैसे हिल स्टेशनों की सैर करेंगे। ये आपको आनंदमय एलेप्पी बैकवाटर में भी ले जाता है। सुरम्य स्वर्ग में भिगोए और केरल के लिए अपने 5 रातों 6 दिनों के दौरे को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। और हाँ, केरल की छुट्टी आराम और कायाकल्प करने वाली हो सकती है। ये आकर्षक राज्य भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये खूबसूरत राज्य पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, लेकिन राज्य में भारतीय मसाला मार्ग का हिस्सा होने के बारे में भी उज्जवल उल्लेख है। ऐतिहासिक रूप से उत्सुक? तब आपके पास सही योजना है। 5 रात 6 दिनों की पहली योजना कोचीन है, जो पुराना यहूदी शहर है। गुलजार शहर आश्चर्यजनक चीनी टाइलों और आकर्षक बेल्जियम के झुमरों के लिए जाना जाता है। इसकी गौथिक शैली, साज सज्जा और वास्तुकला आप पर जादू कर सकती है। अपने कैमरे को सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाले आकर्षण कोचीन समुद्र तट पर चीनी मछली पकड़ने के जाल में ले जाए। बोलचाल की भाषा में चीनी वाला कहा जाता है। एक कप गरम चाय के साथ मुन्नार के एक आलीशान रिसोर्ट से पहाड़ के नजारों का आनंद लेते हुए आप अपना दिन आराम से बिता सकते हैं। एक साफ दिन पर पेरियार झील पर तैरे और राष्ट्रीय उद्यान के हरे भरे जंगलों में भीगे मंत्रमुग्ध कर देने वाली हाउस बोट पर सवार हो, विशेष रूप से आपकी और आपके प्रिय जिन की प्रतीक्षा में, जैसा कि आप फिश पॉलीचत्तू का स्वाद लेते हैं। नाव से सूर्यास्त देखे। हाँ, ये 5 रातों 6 दिनों की योजना विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए है जो प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। ये 5 रात 6 दिन का यात्रा कार्यक्रम केरल के प्रसिद्ध झीलों को जोड़ता है और प्रत्येक दिन दूसरे से अलग होगा। 3.1 कोचीन पहुँचे और स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आगे बढ़े। कोचीन में आपका स्वागत है। इसलिए केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद आप काउंटरों से अपना बैग ले सकते हैं और आप अपने नाम के तहत एक प्लैग बोर्ड के साथ बाहर हमारे प्रतिनिधि से मिल सकते हैं। इसके बाद आपको कोचीन शहर के केंद्र तक पहुँचने के लिए ट्रेल्स टूर्स कैब द्वारा चुना जाएगा। अपने होटल में चेक इन करें और अच्छे नाश्ते का आनंद लें। आप चाहे तो थोड़ा आराम करें, नजारों के साथ कमरे का आनंद लें और एक कप चाय की चुस्की लें। एक व्यस्त शहर होने के कारण यहाँ करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आप हमारे द्वारा चुने जाएंगे और कोचीन शहर के चारों ओर घूमेंगे। आप अपनी गति से शहर का पता भी लगा सकते हैं। हम आपको सबसे खूबसूरत मट्टनचेरी पैलेस या सेंट फ्रांसिस चर्च के प्रमुख केरल के सबसे पुराने चर्च दिखाते हैं। बेहतरीन मालाबारी रेस्टोरेंट में से एक में दोपहर में भोजन का आनंद ले। मरीन ड्राइव पर टहले और सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद ले। उसके बाद आप कथकली नृत्य देखने के लिए केरल लोकगीत और थिएटर संग्रहालय में एक सीट ले सकते हैं। 2. मुन्नार के और खड़ी सड़कों और विपुल धाराओं के माध्यम से ड्राइव करें। ये आपके 5 रातों 6 दिनों के केरल दौरे की योजना का दूसरा दिन है
और आप जल्द ही प्रकृति की गोद में होंगे। हाँ, मुन्नार की ओर ड्राइव के लिए आगे बढ़े। केरल का ये हिल स्टेशन एक लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशन है। कोचीन से मुन्नार तक की ड्राइव में लगभग 4 घंटे लगते हैं। रास्ते में आपको हरे भरे चाय के बागान, दिल को थामने वाले नज़ारे दिखाई देंगे। और हाँ, यात्रा अविस्मरणीय होगी। आप तेज मोड़ और मोड़ के साथ लहर जैसी सड़कों से गुजरेंगे। चलो एक चाय की फैक्ट्री के पास रुकते हैं और चाय का ब्रेक लेते हैं। दिन 3, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का शानदार दौरा। केरल में 5 रातों 6 दिनों की छुट्टी का अगला गंतव्य विदेशी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। ट्रैकिंग शूज, धूप में चश्मे की एक आदर्श चूड़ी पहने और अपने शरीर को ऊर्जा से भर दे, क्योंकि 5 रातों 6 दिनों के टूर प्लान का 3रा दिन रोमांच का दिन होता है। एराविकुलम नेशनल पार्क में आप ट्रैकिंग ट्रेल पर गहरे जंगलों में जा सकते हैं। इन सब से ऊपर नीलगिरी तहरों को कैद करने के लिए अपने कैमरे को तैयार रखें। बाद में शाम को ठेकड़ी की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। ठेकड़ी शहर में पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। ड्राइव सबसे सुरम्य है, जो आपको हर 15 मिनट में चकित करती है। जैसे ही आप ठेकड़ी की ओर खड़ी सड़कों पर उतरते हैं, आप केरल राज्य के जंगल को देखकर भी चकित रह जाएंगे। अंत में ड्राइव का अनुभव सबसे जादुई होगा। दिन 4, ठेकड़ी की सुंदरता का सबसे अच्छा आनंद लें। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में जंगल को देखें। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर घूमने और इसकी सुंदरता की खोज करने के कई रास्ते हैं। आप या तो वन ट्रैक या नाव सफारी या हाथी सफारी चुन सकते हैं और पार्क के चारों ओर जा सकते हैं। पार्क में जंगल का अनुभव आपके जीवन का सबसे अनूठा अनुभव होगा। इन सब से ऊपर आप केरल राज्य के पश्चिमी घाटों से अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों को देख सकते हैं। दिन 5, एलप्पी के शांत बैक वाटर के साथ तैरे, एलप्पी की सुंदरता में भिगोए। छुट्टियों की योजना का सबसे अच्छा हिस्सा यहाँ है। आप केरल के सबसे आकर्षक गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। ठेकड़ी से एलप्पी की एक और ड्राइव शुरू करें। एलप्पी शहर में पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। आगमन पर आप अपने हाउस बोट में चेक इन कर सकते हैं। हाउस बोट में आराम से शाम का आनंद ले। हाउस बोट में रसोईया आपके लिए विशेष रूप से सर्वोत्तम स्थानीय व्यंजन तैयार करेगा। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और अपनी स्वाद कलियों का इलाज करें। उसके बाद एलप्पी शहर के ग्रामीण इलाकों का पता लगाएं और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करें। 3, एलप्पी शहर में खरीदारी करें। एलप्पी की सड़कों पर चलें। जैसे ही नाव बैक वाटर पर सुस्ती से तैरती है, आप महसूस कर सकते हैं कि सुबह सूरज आपके गालों को चूम रहा है। पानी, आकाश और चारों ओर उड़ने वाले पक्षियों के सबसे मनोरम दृश्यों के लिए जागे। इसके अलावा पुट्टू कड़ाला जैसे विशिष्ट नाश्ते के साथ और भी बहुत कुछ करें। हाउस बोट को पीछे छोड़ दे और एलप्पी की खरीदारी सड़कों पर चले। स्थानीय हस्त निर्मित उत्पादों की एक किस्म से कुछ स्मृति चिन्ह खरीदे। इसके बाद कुछ अद्भुत तस्वीरें ले जो इंस्टाग्राम के योग्य हो। ये सबसे प्रफुल्लित करने वाले भगवान के अपने देश को अलविदा कहने का समय है। उसके बाद हम आपको कोचीन एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे। जैसे ही आप केरल के मंत्र मुग्ध कर देने वाले राज्य से सेवानिवृत्त होंगे, आपका दिल खूबसूरत यादों से भर जाएगा। जो यादें जीवन भर बनी रहेंगी, उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। और आपको एक बार फिर से राज्य का दौरा करने के लिए मजबूर कर देगा। केरल में कोचीन, मुन्नार, ठेकड़ी और एलप्पी को कवर करते हुए प्राकृतिक आकर्षणों का आनंद ले। इन 5 रात 6 दिनों के दौरे में फोर्ट कोचीन, मट्टनचेरी पैलेस, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एलप्पी बोट हाउस और कई अन्य शीर्ष आकर्षण शामिल है। केरल या अन्य शीर्ष पर्यटन स्थलों के लिए कई अन्य योजनाओं और पैकेजों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.trailstours.com पे जाकर पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं।
और अपनी छुट्टियों का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। हनीमून हो या फैमिली वैकेशन, केरल छुट्टियों का सबसे अच्छा विकल्प है। आप हमारे ट्रैवल एक्सपर्ट्स की मदद से ट्रेल्स टूर्स में अपनी छुट्टियों को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और बुकिंग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और आप चाहो तो डायरेक्ट होटल में आकर कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे ट्रेल्स टूर्स एंड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे और भी न्यू डेस्टिनेशंस के वीडियोस मिलते रहें।